संभल में पुलिस और पशु तस्कर बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में पशु तस्करी का वांछित बदमाश गोली लगने के बाद घायल हुआ है, वहीं एक सिपाही को भी गोली लगी है। संभल कोतवाली इलाके में ग्राम हाफिजपुर में आज पुलिस और पशु तस्कर बदमाशों की उस समय मुठभेड़ हुई जब पुलिस वाहन चेक कर रही थी। एएसपी आलोक कुमार जायसवाल ने बताया कि सेंट्रो कार सवार बदमाशों ने वाहन रोकने पर फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश सादिक को गोली लगी है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों की गोली से एक कांस्टेबल भी घायल हुआ है। बदमाश के साथी भाग गए, जिनकी तलाश में पुलिस कॉम्बिंग कर रही है। पकड़ा गया बदमाश चंदौसी थाना का वांछित अपराधी है, जिस पर पशु तस्कर समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। जनपद संभल में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है। इसी क्रम में आज सुबह सूचना मिली थी कि कुछ पशु तस्कर संभल की तरफ आ रहे हैं, जिसमें उन्हें हाफिजपुर गांव के जंगल में रोकने का प्रयास किया गया, तो वहां पे उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें हमारा एक कांस्टेबल प्रिंस कुमार घायल हुआ। इसी के साथ जब पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो उसमें एक अपराधी सादिक उर्फ गटुआ घायल हुआ है, और इसके ऊपर कई आपराधिक केसेस हैं। इसके चार साथी और गिरफ्तार हुए हैं और दो साथी मौके से फरार हुए हैं, सभी को हॉस्पिटल भेजा गया। इनके पास से एक सेंट्रो कार, तीन तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं। इन सभी को गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई की जा रही है।